सिद्धार्थ शुक्ला का हमने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो देखा था जो कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का सीन था। एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। उसके बाद से बहुत सारे फैंस कंफ्यूज हो गए कि यार सिद्धार्थ शुक्ला ने इस तरह का सीन क्यों किया, मतलब ये सब इंटीमेट सीन्स वही होते हैं, मगर हमें एज अ प्रोफेशनल वर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और पहले खबरें ये आ गई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला डबल बॉडी यूज है, जो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाय द वे, एक चीज़ मैंने थोड़ी सी नोटिस करी है, जब सिद्धार्थ का एक सीन आया था, ये पिक्चर्स हैं मेरे पास, वैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला हमें रियल एज अ जेन्युइन देखने को मिलते हैं, यानी कि सिद्धार्थ की सच्चाई, सिद्धार्थ की रियलिटी हमें अलग ही देखने को मिलती है। सिद्धार्थ के लुक भी बिल्कुल अलग होते हैं, मगर एक थोड़ा सा जो डाउट्स है ना वो बना हुआ है, और डबल बॉडी जो यूज़ है उसकी तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा है पूरा सीन। ये स्क्रीन पर आप देखिए, जी हाँ, यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला हाथ कुछ ऐसे कर रहे हैं। ये सोनिया राठी हैं, कौन है ये फिलहाल, ये तो खैर सोनिया राठी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा सिद्धार्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, सिद्धार्थ पर हम थोड़ा सा फोकस करें, तो ये हमें रियल शुक्ला जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा देखने को। अगर आपको लग रहा है तो मुझे बताइए जल्दी से कॉमेंट करके। भाई साहब यहाँ पर ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट, यानी कि अलग ही हमें ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का स्टाइल, सिद्धार्थ शुक्ला का फेस मेकअप वो सब किया हुआ है, मगर ये रियल शुक्ला जी नहीं है भैया। अभी तक मुझे फाइनली जो देखने को मिल रहा है उस अकॉर्डिंगली मैं आपसे ये वाली बात शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन से क्या होंगी वो मैं आपको बताऊँगा आने वाले टाइम में, मगर फिलहाल डबल बॉडी का इसमें 100% यूज़ हुआ है और सिद्धार्थ शुक्ला मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर रियल सिद्धार्थ होते तो हमें कहीं ना कहीं से मतलब अलग ही हमें पता चलता कि हाँ जी शुक्ला जी हैं, मगर ये शुक्ला जी नहीं लग रहा है, डबल बॉडी का साफ साफ दिख रहा है कि इसमें यूज़ हुआ भाई। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।